नमस्कार, आज है तारीख 1 दिसंबर और दिन गुरुवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मैं हूँ अंजुम शर्मा। और मैं हूँ सारिका सिंह। पॉडकास्ट में आज बात गुजरात राज्य विधानसभा चुनाव से लेकर इस्लामिक स्टेट की। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान पूरा। बीबीसी संवाददाताओं से जानेंगे कैसा है जनता का मूड। गतारगाम है या फिर वराछा है, तो वहाँ पे चर्चा जो है लोगों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की होती है। कांग्रेस लोगों की चर्चा में भी हमको नहीं दिखी थी। दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार पहुंचा अंतिम दौर में। नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत, जमकर लगाया आरोप। कांग्रेस पार्टी में तो कॉम्पिटिशन चैलेंज कॉम्पिटिशन कि कौन मोदी ने वधारे गाळो बोले, कौन मोदी ने मोटी गाळो बोले, कौन मोदी ने तीखी गाळो बोले। और इस्लामिक स्टेट के प्रमुख की हुई मौत। 9 महीने में आईएस ने बदला तीसरा नेता। We are pleased to see the removal of ISIS's top leaders in such quick succession. फीफा विश्व कप से लेकर क्रिकेट तक की खबरें भी होंगी, लेकिन सबसे पहले जानते हैं देश और दुनिया के पूरे दिन का हाल सारिका सिंह से। आज से भारत ने औपचारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता संभाल ली। अब अगले एक साल तक भारत ही G20 की अध्यक्षता करेगा। अगले साल सितंबर में G20 सम्मेलन का आयोजन होगा। भारत की अध्यक्षता में अमेरिका का G20 को लेकर रुख और प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं, इसे लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पेयर ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में अमेरिका मौजूदा खाद्य संकट, ऊर्जा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में सहयोग के लिए काम करता रहेगा। मुंबई में पुलिस ने 2 लोगों को एक दक्षिण कोरियाई महिला के साथ बदसलूकी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कल जब सोशल मीडिया पर मायोची नाम से मशहूर ह्यूजियोंग पार्क एक वीडियो लाइव स्ट्रीम कर रही थी, तब उनके साथ छेड़छाड़ की खबर आई थी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन के ऊर्जा संस्थानों पर हमलों को सही ठहराते हुए कहा कि पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार की सप्लाई कर रहे हैं, जिसे रूस के लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। Мы выводим объекты энергетики, которые позволяют вам накачивать Украину. उन्होंने अमेरिका और नाटो पर इल्जाम लगाया कि वो हथियार की सप्लाई कर युद्ध में हिस्सेदार बन रहे हैं। चीन में कोरोना वायरस से जुड़ी पाबंदियों को लेकर बढ़ रही नाराजगी के बीच आज ग्वांगझू समेत कई जगहों पर सख्ती में थोड़ी ढील दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद शंघाई और ग्वांगझू शहरों के तमाम इलाकों में लॉकडाउन हटा दिया गया, नियमों में ढील दी गई। अब संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन फैसिलिटी के बजाय घर में रहने की इजाजत दी गई है। कल चीन में 36,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट आई थी। चीन में विरोध प्रदर्शनों के बीच यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष से मिले शी जिनपिंग। आर्थिक मोर्चे पर तनाव और साथ ही मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर मतभेद के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल की मीटिंग हुई है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि इस मुलाकात के जरिए EU और चीन के बीच आपसी संवाद बढ़ाने का ये सही समय है। ये मुलाकात इसलिए भी चर्चा का विषय है क्योंकि इन दिनों शी जिनपिंग को जनता के अप्रत्याशित विरोध का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने अपील की है कि साल 2023 में काम करने के लिए संस्था को 51.3 बिलियन डॉलर फंड की ज़रूरत है। यूएन ह्यूमैनिटेरियन चीफ मार्टिन ग्रिफिथ ने कहा कि दुनिया में इस वक्त लाखों लोगों को मदद की ज़रूरत है। 222 million people will face acute food insecurity. रूस यूक्रेन युद्ध, अफ्रीका में भूख और पाकिस्तान में बाढ़ और इसके साथ यमन, अफगानिस्तान और सीरिया के हालात की वजह से कईयों को मानवीय मदद की दरकार है। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। हमारा ये प्रोग्राम हफ्ते के 5 दिन यानी सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे bbchindi.com के लाइव पेज के साथ साथ बीबीसी हिंदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक और यूट्यूब पर भी लाइव प्रसारित होता है। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता तो भी आप शाम 7:30 बजे हमसे जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपना ये पसंदीदा कार्यक्रम। समय नहीं है और बाद में सुनना चाहते हैं तो गाना, स्पॉटिफाई, JioSaavn जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जा सकते हैं, डाउनलोड करें और जब समय हो तब सुनें। लेकिन दिन भर पूरा दिन पूरी खबर शाम 7:30 बजे आप सुन सकते हैं। दिन भर की खबरें क्या क्या रही सारिका सिंह बता रही थी और अब बात करते हैं आज के दिन की बड़ी खबर की। गुजरात विधानसभा चुनाव का पहला चरण था जो आज पूरा हो गया है। गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं। सारिका, पहले चरण में दक्षिण गुजरात के 19 जिलों और कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्रों की 89 सीटों के लिए मतदान हुआ। इन 89 विधानसभा सीटों पर कुल 788 प्रत्याशी अपनी किस्मत दांव पर लगाए हुए थे। इस बार के विधानसभा चुनाव में
बीजेपी कांग्रेस के अलावा आप जानते हैं आम आदमी पार्टी भी काफी ज्यादा सक्रिय है। गुजरात में बीजेपी ने इन सबके बीच कई प्रमुख चेहरों को अपना इस बार प्रत्याशी नहीं बनाया है, जो कि सबके लिए बहुत शॉकिंग था। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, पूर्व शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा, पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और गुजरात के पूर्व गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा मैदान में नहीं थे। यानी अंजुम, कई मामलों में ये चुनाव दिलचस्प हो गए हैं और आज कईयों की किस्मत कैद हो गई है। हमारे साथ इस समय लाइव है रॉक्सी गागडेकर छारा, जो आज मोरबी और राजकोट का जिम्मा संभाले हुए थे, देख रहे थे वहां पर क्या हो रहा है। और अभिनव लाइव थे या लाइव हैं इस समय, वो सुरेंद्रनगर में इस समय हैं। तो रॉक्सी के पास सबसे पहले चलते हैं। रॉक्सी, अभी मतदान अब तो खत्म हो गया है, वोटिंग परसेंटेज आ गए हैं, क्या कहते हैं ये वोटिंग परसेंटेज चुनाव के बारे में? जी देखिए, वोटिंग परसेंटेज राजकोट का जो एक्सपेक्टेशन था उससे उस मुताबिक जो वोटिंग परसेंटेज है वो लोगों को नहीं दिख रहा है। फिलहाल 5 बजे तक के जो फिगर्स थे उसके मुताबिक करीब 48% के आसपास जो है वो वोटिंग परसेंटेज था, और मोरबी में करीब 62% वोटिंग जो था वो देखने को मिला था। पहले अगर मोरबी की बात करें तो मोरबी जो है वो गुजरात में इस बार इलेक्शन का केंद्र रहा, क्योंकि मोरबी हमेशा से भाजपा की सीट मानी जाती थी। 1995 से कंटिन्यूअसली भाजपा के जो प्रत्याशी है कांति भाई अमरुतिया वो सीट को जीतते आए हैं। सिर्फ 2017 में पाटीदार आंदोलन के चलते वो सीट जो है वो कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन 2020 में बाई इलेक्शन हुए और फिर से वो सीट जो है वो भाजपा के पास चली गई थी। लेकिन इस बार जब हम वहां पर गए, लोगों से मिले तो लोगों का ये कहना था कि जो हर बार भाजपा के लिए जो एक इजी विन मोरबी की सीट हुआ करती थी, ऐसा इस बार देखने को नहीं मिला। और कांग्रेस ने एक अच्छी फाइट वहां पर दी है, बेशक उन्होंने जो ब्रिज का जो मुद्दा है वो खुलकर सामने आकर उन्होंने बात नहीं की, लेकिन ब्रिज का जो मुद्दा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा मोरबी और पूरे सौराष्ट्र में कई जगह पर ये जो मुद्दा है वो काफी बड़ा स्वरूप उसने लिया है। क्योंकि मोरबी के हादसे में जो मरने वाले लोग थे वो सिर्फ वो घटना मोरबी की थी, लेकिन मरने वाले लोग जो है वो सौराष्ट्र के अलग अलग रीजन से आने वाले थे। राजकोट की अगर मैं बात करूं तो राजकोट में भाजपा हमेशा से राजकोट यहां पर काफी राजकोट तो पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का एरिया है। जी जी बिल्कुल, विजय रूपाणी जी को यहां पर टिकट नहीं मिली इस बार, लेकिन उसके बावजूद भाजपा का ये मानना है कि यहां पर जो है वो वोटिंग परसेंटेज जो है वो उनके फेवर में गया है इस बार। हम लोगों ने सुबह यहाँ पर लोगों से बात की तो कहा कि जो भाजपा के वोटर्स हैं वो काफी बड़ी मात्रा में निकलकर उन्होंने वोटिंग किया है, और ये माना जा रहा है कि भाजपा को यहाँ पर 8 में से कम से कम 7 सीटें तो मिलेगी। लेकिन दूसरी ओर ये भी भूलना नहीं चाहिए कि इंद्रनील राजगुरु जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर काफी अच्छी फाइट दी है कांग्रेस की तरफ से। और राजकोट यहाँ एक सवाल ये बनता है कि जो सौराष्ट्र का वोटिंग पैटर्न है उसमें 2012 के बाद से बदलाव आपने भी देखा होगा रॉक्सी, मतदान में यहाँ बाकी जगहों के मुकाबले गिरावट आई, क्या माना जाता है इससे किसी एक पार्टी को फायदा होता है और किसी एक को नुकसान? जी देखिए, परसेंटेज का सीधा सीधा आज तक का गुजरात के जो ट्रेंड है उसमें देखा गया है कि जब जब परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज कम होते हैं तो उसका फायदा जो है वो कांग्रेस को होता है, क्योंकि जब भी परसेंटेज कम होते हैं तो अर्बन लोकैलिटी के जो लोग हैं वो कम मात्रा में निकलते हैं। जैसे कि अगर आप आज भी देखें तो टांग और तापी जैसे जो आदिवासी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है। तो जो भी परसेंटेज कम होता है जिसमें कटौती होती है उसमें अर्बन वोटर्स की कटौती होती है, और एक मान्यता है, माना जाता है कि अर्बन वोटर्स हैं वो ज्यादातर बीजेपी के वोटर्स हैं, तो बीजेपी के वोटर्स में कटौती मानी जाती है। तो जब जब वोटिंग परसेंटेज कम आता है तब तक का ट्रेंड ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ता है। रॉक्सी बने रहिए हमारे साथ, अभिनव भी हमारे साथ हैं, अभिनव गोयल, उन्होंने आज लाइव भी किया था बीबीसी फेसबुक और यूट्यूब पर, कई लोगों से बात भी की थी। अभिनव, आप सुरेंद्रनगर से हैं, सुरेंद्रनगर आपने खुद कहा था वहाँ की हवा ऐसी है कि बहुत कुछ बदल जाता है, परिवर्तन की कभी कभी मांग भी करती है। सुरेंद्रनगर में वोटिंग पैटर्न कैसा रहा और वोटिंग परसेंटेज का क्या हाल? अंजुम, मैं अभी सुरेंद्रनगर में हूँ और ये सुरेंद्रनगर वो जिला है जो गुजरात के सौराष्ट्र में आता है जी। तो यहाँ पर जो अभी तक का वोटिंग परसेंटेज आया है वो करीब 48.5
60 का है, जो कि जो एवरेज गुजरात का वोटिंग परसेंटेज है उससे करीब 10% कम है। तो जब हम सुरेंद्र नगर की तरफ बढ़ रहे थे तो हम लोग ने 4-5 मतदान केंद्रों से होते हुए हम शहर की तरफ बढ़े, तो हमने देखा कि जो गांव है, गांवों में जो लोगों में उत्साह था अपने अपने मतदान का इस्तेमाल करने का, वोट देने का, वो सुरेंद्र से जो सुरेंद्र नगर शहर है उससे कहीं मुझे ज्यादा दिखाई दिया। बजाय की मतलब यहाँ भी वही पैटर्न, अर्बन वोटर्स कम निकले और ग्रामीण वोटर्स ज्यादा, ग्रामीण वोटर्स ज्यादा निकले। और ये जो सुरेंद्र नगर जिला, इसमें 5 विधानसभा पड़ती हैं, जिसमें दसाड़ा, लिमडी, वर्धमान, चोटीला और धांगद्रा है। तो ये थोड़ा सा अहमदाबाद से करीब 100-120 किलोमीटर दूर है, तो विकास के नजरिए से भी जो आपको अहमदाबाद, तो आप जब बात कर रहे थे अभिनव, तो विकास का मुद्दा तो उठ रहा था, लेकिन हमने देखा था कि बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं भी आपसे बात कर रही थी। अगर महिलाओं के लिहाज से पूछा जाए तो उनके लिए क्या मुद्दा है, क्योंकि गुजरात में जो वोटर्स हैं वो लगभग बराबर ही हैं, महिलाएं मतलब थोड़ी सी कम है। क्या महिलाओं के मन में मुद्दे थे जब आज वो वोट करने निकली थी? सबसे पहले तो ये भी कि जो नवासी सीटों पे उम्मीदवार हैं उसमें महिलाओं की जो उम्मीदवारी है वो करीब 10% की है, तो वो एक्चुअल में कम है। और जो हमारी महिला वोटर से बात हुई तो उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई का है। तो हर कोई आके ये बताना चाह रही थी महिला की, जो पहले घर 200 में चल जाता था वो 500 में चल रहा है, जो पहले काम 1000 में हो जा रहा था वो 2000 में हो रहा है, तो उसको लेके किसी तरह का कोई राहत नहीं मिल रही है। तो वोट करते हुए उनके जहन के अंदर वो जो महंगाई है वो सबसे ऊपर खास तौर पर रहा। और अंजुम, आपको याद होगा आज एक कांग्रेस नेता सिलेंडर लेकर भी गए थे, एक चुनाव का ये रंग देखने को मिला था आज। रॉक्सी हमारे साथ है। रॉक्सी, एक बात बताएं, अगर स्टार कैंपेनर्स की बात करें तो राजकोट में तो स्टार कैंपेनर्स काफी सारे माने जाते हैं, और मोरबी को तो बचाने की कोशिश खैर पुल गिरने की वजह से हो ही रही है, लेकिन राजकोट में मैं खास ध्यान इसलिए चाहूंगा कि रविंद्र जडेजा की जो पत्नी हरे बाबा, उनका काफी ज्यादा वहां पर कह रहे थे लोग उनको कि शायद रविंद्र जडेजा से किसी की मुलाकात हो जाए, अपील भी की थी रविंद्र जडेजा ने आज तो, और स्टार फैक्टर भी है वहां पर। जी, इसमें राजकोट में एक्चुअली रविंद्र जो रेवाबा है रविंद्र जडेजा की पत्नी, उनके पिताजी का घर यहां पर है, उनका वोट यहां पर है, वो खुद जो है वो जामनगर की प्रत्याशी है। जी, तो जी। तो वो वोट डालने सुबह अपना वोट जो कास्ट करने के लिए राजकोट में आई थी, तब उन्होंने तब काफी एक मतलब मीडिया अटेंशन उन्हें मिला था। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर राजकोट में कैंपेनिंग की बात करेंगे तो राजकोट एक ऐसा जिला है जहाँ पर तीन बड़ी पार्टियों के जो टॉप लीडर्स हैं उन्होंने अपनी बड़ी रैलियां की थी, जिसमें नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल भी शामिल होते हैं। हमारे जो यहाँ के सहयोगी है, जब मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी की जो 2 पहले यहाँ पर बड़ी एक सभा हुई थी उसमें जो लोगों को जुटाने में भाजपा को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, बहुत ही डिसइंटरेस्ट रहा था लोगों के बीच में, क्योंकि बहुत सी कुर्सियां भी खाली रही थी। तो एक तरह से कैंपेनिंग का तो यहाँ पर काफी कोशिशें हुई हैं सभी पार्टियों से, लेकिन कहीं ना कहीं 2017 के कंपैरिजन में लोगों में थोड़ी जो लोग वोट देने के लिए जो निकले थे उसमें थोड़ी निराशा देखने को मिली है, ऐसा एक ओवरऑल पिक्चर यहाँ का राजकोट और मोरबी का। मतलब ये माना जाए कि जिस तरह से आक्रामक वहां पर चुनावी कैंपेन हुआ है, वोटर उस तरह से मतलब उन पर उतना असर नहीं हुआ, वो उतनी बड़ी तादाद में नहीं आए। जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने जब भी जिन जो लोगों से भी बात किया, जैसे अभिनव ने बताया महिलाओं का एक मुद्दा जो महंगाई का मुद्दा था, वो मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा यहाँ पर जिन जिन लोगों से बात की वहां पर हुआ। लेकिन साथ ही साथ जब आप 2-3 पहले तो लोग यही यहाँ पर, क्योंकि मोदी का इतना बड़ा फैन फॉलोइंग है और उसमें भी महिलाओं के बीच में काफी बड़ा फैन फॉलोइंग है, तो लोग जो पहले तो वो मोदी की ही बात करते हैं कि हमको मोदी साहब पर विश्वास है, लेकिन जब उन्हें थोड़ा ग्रिल करें तो वो कहते हैं कि नहीं, हम महंगाई से परेशान भी हैं। तो एक तरह से महंगाई से परेशानी है, लेकिन मोदी से वो लोग दूर नहीं जाना चाहते, ऐसा बहुत से लोगों
से हमको मतलब ऐसा एक सेंस मिलता है जब कुछ महिलाओं से बात करते हैं यहाँ पर, तो मोदी की फैन फॉलोइंग कहीं ना कहीं काम तो कर रही है एक तरह से यहाँ पर। बहुत शुक्रिया अभिनव और रॉक्सी, आपने इतनी जानकारी दी। दूसरे चरण का मतदान जो है उसका प्रचार जो है अंतिम दौर में है, आप गुजरात पर नजर रखे रहिए, जब जब जरूरत होगी आपसे हम बात करेंगे। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है, आगे सुनेंगे। As far as any involvement by us, by the U.S., as it relates to the death of Al-Qarashi, it was not a result of any U.S. action, I can confirm. बताएंगे इस्लामिक स्टेट के प्रमुख की हुई मौत और 9 महीने में कैसे बदले IS ने 3 नेता, साथ ही बात करेंगे फीफा विश्व कप से लेकर क्रिकेट की भी, और बात होगी कि कैसे गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले नेता लगा रहे हैं एक दूसरे पर गंभीर आरोप। लेकिन उससे पहले सारिका, यूट्यूब और फेसबुक पर काफ़ी सारे श्रोता लिसनर्स हमको सुन रहे हैं, और जैसा कि उम्मीद हमेशा होती है जिस दिन वोटिंग की बात होती है या फिर हम चुनाव की बात करते हैं, वो आमतौर पर उससे संबंधित जितने कमेंट्स होते हैं वही करते हैं। और चुनाव पर्व है, त्यौहार एक तरह से भारत में। भंवरलाल सैनी लिख रहे हैं, देश में अब एक ही विचारधारा चल पड़ी है, अब इसको हटा पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि अब लोग इसके जो है वो आदि हो गए हैं, ये उनके अपने विचार हैं। इसी तरीके से रामजी प्रसाद थोड़ा सा दूसरी बात कर रहे हैं, वो दरअसल NDTV में जो कल परिवर्तन हुआ है उसकी तरफ कई कमेंट्स हैं। रवीश के लिए घनश्याम यादव हैं, कह रहे हैं गुजराती महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या महंगाई है और भाजपा ने लगातार उनकी समस्याओं को बढ़ाया है। इसका मदन लाल भी एक हैं जिन्होंने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी अपनी छाप जरूर छोड़ने वाली है लेकिन शायद बहुमत तक ना पहुंचे। और बहुत सारे हमारे लिसनर्स जो हैं हमें यूट्यूब पर भी सुन रहे हैं, आप इसी तरीके से सुनते रहिए। और वो तमाम लिसनर्स जो कि गाना Spotify JioSaavn पे हमें सुनते हैं, उनकी शिकायत रहती है कि वो हमें कमेंट्स कैसे करें, तो अगर उन्हें कमेंट करना है और चाहते हैं कि हम आपका कमेंट पढ़ें तो आप हमें लाइव किसी दिन आकर सुनें और बताएं कि आप वहाँ भी हमें सुनते हैं और यहाँ पर भी हमें सुनते हैं। अब ये तो बात हुई, हम बार बार बात कर रहे हैं सारिका के किस तरह से लोगों की समस्याएं क्या हैं। अभी रॉक्सी और अभिनव हमारे साथ थे, आज सुबह उन्होंने कुछ लोगों से बात की थी, एक बार देख जानते हैं कि लोगों के मुद्दे क्या हैं, वो वोट देने क्यों आ रहे हैं और अगर वोट दे रहे हैं तो उसका कारण क्या क्या है, और नहीं भी दे रहे हैं तो उसका कारण क्या क्या है। कई युवा ऐसे भी आज पहचान में आए जो पहली बार वोट दे रहे हैं। हर बार ऐसे जब चुनाव होते हैं तो तादाद बढ़ जाती है जो पहली बार वोटर्स हैं और उनके मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। और यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि जब अभिनव और रॉक्सी लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बाकायदा ये इल्तिजा की थी कि आप किसे मत दे रहे हैं ये हमें मत बताइएगा। मत देने के लिए आए हैं, बस देश के लिए आए हैं। अभी तो क्या है, बाटला का दाम भी ज्यादा है, तेल का दाम भी ज्यादा है, 3,000 रुपये का डब्बा आता है, कहाँ से चलेगा कार, इसके हिसाब से तो वोटिंग करना पड़ेगा ना। हम लोग को क्या ओवरऑल लेडीज की सिक्योरिटी चाहिए, रोड रास्ते पानी जो जनरल है वो सब तो हमको चाहिए ही, तो हमारी आशा है कि अभी जो आएगा वो हमारी ये सब पूरी करेगा। कहते हैं सुरेंद्र नगर की हवा जो है बड़ी सूखी और अच्छी होती है सेहत के लिए, अच्छी है तो ये इस बार बदलाव, अगर बदलाव आएगा भी तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा बदलाव आएगा। हमारे साथ पहली बार जिन्होंने वोट किया है वो भी है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फजल चौहान है, मैंने फर्स्ट टाइम वोट किया है। और फजल आप युवा हैं तो आपके लिए सबसे बड़े दो मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में, आपको लगता है कि मेरे बटन दबाने से मुझे वो चेंज दिखना चाहिए? चेंज तो बहुत दिखना चाहिए क्योंकि बेरोजगारी है, शिक्षण शिक्षित का भी इस क्षेत्र में बहुत अभाव है, नहीं कोई इंडस्ट्रियल नहीं है कि जिसके युवा को रोजगार मिले, और बहुत सारे मुद्दे हैं जो युवा को आकर्षित कर रहे हैं और उनके पूरे नहीं हो रहे, डिमांड हो रही है सरकार में वो तो मुद्दा है लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे, इसे ध्यान रखते हुए आज मैंने वोटिंग फर्स्ट टाइम किया है। तो ये थे वो लोग जो वोट देने आए थे, लेकिन जैसे रॉक्सी और अभिनव अलग अलग जगहों पर थे ऐसे ही हमारे बीबीसी के संवाददाता तेजस वैद्य हैं, वो आज सूरत में मौजूद थे। और सूरत के माहौल क्या था, कुछ दिनों पहले सारिका हमने दिन भर में ही एक स्टोरी लोगों को सुनाई थी, कुछ लोगों की आवाज़ें सुनवाई थी जिसमें वो कह रहे थे कि हम इस बार वोट नहीं देंगे या किसी एक पार्टी को जिसको वो देते आ रहे थे उसको नहीं देंगे क्योंकि वो सुनवाई नहीं करते हैं। तो सूरत में तेजस थे, सूरत में क्या हाल है बता रहे हैं, अब से कुछ देर पहले मैंने उनसे बात की।
हम जब सूरत में लोगों से मिले थे, यहाँ पे तकरीबन 5 दिन से हम यहाँ पे है, तो कुछ इलाकों में जाते हैं जैसे कि कतारगाम है या फिर वराशा है, तो वहाँ पे चर्चा जो है लोगों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की होती है। कांग्रेस लोगों की चर्चा में भी हमको नहीं दिखी थी, तो सूरत जो है वो आम आदमी पार्टी की उन पर नज़र रहेगी और सौराष्ट्र पे भी रहेगी। सौराष्ट्र पे इसलिए रहेगी कि आप देखिए भगवत मान और अरविंद केजरीवाल ने जितने भी रोड शोज किए हैं वो सौराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है। सौराष्ट्र में पिछली बार 2017 में जो 50 सीटें हैं उसमें से 30 से ज्यादा कांग्रेस को मिली थी, तो बीजेपी को वहां पे एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। तो एक जो पोटेंशियल ग्राउंड है चुनाव के मद्देनजर, तो आम आदमी पार्टी को सौराष्ट्र में दिखा था, तो उन लोगों ने भरपूर मेहनत की। आप देखिए कि उनके जो सीएम फेस के कैंडिडेट है ईशुदान गढ़वी, वो भी सौराष्ट्र से ही लड़ रहे हैं। अब ये जो तीनों उम्मीदवार है, अल्पेश कथीरिया, गोपाल इटालिया और धार्मिक मालवीय, ये तीनों 2015 में जो पाटीदार अनामत आंदोलन हुआ था उन्हें में से बाहर आए हुए चेहरे हैं। अब 2015 में सूरज जो है वो पाटीदार अनामत आंदोलन का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा था और 2017 में कांग्रेस को उसका इतना लाभ नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे कुछ पाटीदारों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इस बार परिवर्तन चाहते हैं। तो हमने उनको पूछा कि आप परिवर्तन मतलब क्या, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी? तो उन्होंने कहा कि हम इस बार परिवर्तन के तौर पर आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। तो जो आम आदमी पार्टी है उसके ऊपर सूरत में एक बहुत बड़ी नजर देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये थे तेजस वैद्य, सूरत से थे जी। और इन सब के बीच 93 सीटों के लिए दूसरे चरण का मतदान अब 5 दिसंबर को होना है। उसके लिए चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोड शो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने गुजरात के कलोल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी मां तो कॉम्पिटिशन चैलेंज कॉम्पिटिशन कि कौन मोदी ने वधारे गाळो बोले और कौन मोदी ने मोटी गाळो बोले और कौन मोदी ने तीखी गाळो बोले, एनी स्पर्धा चाले छे। कोई रावण के, कोई राक्षस के, कोई कॉकरोच के, कीचड़ उछालवानो आ रस्तो तमारो। जे मोदी ने तमे गड़ियो होए ए मोदी नु अपमान, ए तमारो अपमान छे के नहीं? આ કોંગ્રેસના લોકોને હવે સુધારવા પડે કે ના સુધારવા પડે? સુધારવાનો રસ્તો કયો? 5મી તારીખ। तो 5वीं तारीख यानी दूसरे चरण का मतदान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा बोल रहे हैं कि मेरा अपमान नहीं हुआ है, ये पूरे गुजरात का अपमान हुआ है। लेकिन ऐसा क्या है, क्यों रहे ये गाली वाली बात क्यों कहेगी? दरअसल सारिका कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी थी। एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा सौ मुख है, क्या है, समझ में नहीं आता। तो हर बार इस तरह से बयानबाजियों का दौर चुनाव में दिखता है और इस तरह के कई तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। अंजुम, भाजपा का फिर इस पर बयान आया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जब भी कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, गुजरात के लोगों ने बैलेट बॉक्स के माध्यम से जवाब दिया। और आपको याद होगा इस तरह के कई बयान पहले भी आए थे। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस का भरोसा लोकतंत्र में नहीं है। आप जानिए कांग्रेस पार्टी ये रामना अस्तित्व ने स्वीकार नहीं करती। मोदी ने गालो देवी या देशना प्रधानमंत्री ने अपमानित करवा, एने नीचा देखाड़वा, एने ये पोतानो अधिकार समझे छे। अगर लोकतंत्र में एमनो विश्वास होत तो कांग्रेस पार्टी आटली हदे क्यारे न जात। परंतु कांग्रेस नो भरोसो लोकतंत्र में नहीं, एक परिवार ऊपर छे। और इस तरह की बयानबाजी जो है सारिका लगातार चल रही है। आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में अंतिम एक लंबा 50 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस पर भी कहा कि 50 किलोमीटर लंबा रोड शो सब आप ही कर लीजिए, करने की जरूरत क्या है। यानी पहला चरण पूरा हो गया, अब दूसरे चरण की तैयारी बिल्कुल जोर शोर से शुरू हो गई है। अब चुनाव के बाद एक बार इस्लामिक स्टेट के जो लीडर की मौत हुई है उस पर बात कर लेते हैं सारिका। तो खबर यह है कि आईएसआईएस के जो मुखिया हैं अल हाशिमी अल कुरैशी की मौत हो गई है। बिल्कुल, और इसके साथ ही आईएसआईएस ने अपने नए नेता के नाम का भी ऐलान कर दिया है। बीबीसी मॉनिटरिंग संवाददाता द्रिस अलबे ने बताया इस बारे में कि 30 नवंबर को इस्लामिक स्टेट के प्रवक्ता अबू उमर अल मुजाहिर ने 10 मिनट का एक ऑनलाइन ऑडियो संदेश पोस्ट किया जिसमें समूह के नए नेता की घोषणा की गई, यानी कल ही घोषणा की गई। जी, तो आतंकी संगठन ने नए आतंकी नेता अबू अल
हुसैन अल हुसैनी अल कुरैशी, बड़े कन्फ्यूजिंग नाम है, उन्हें नया प्रमुख घोषित किया गया है। हालांकि अब तक ये नहीं बताया गया कि अबू अल हसन अल हाशिमी अल कुरैशी की मौत कैसे हुई, लेकिन जो संदेश प्रसारित किया गया था उसमें कहा यह गया कि उनकी मौत अल्लाह के दुश्मनों से लड़ते हुए हुई है। जी हाँ, चरमपंथी संगठन के नए प्रमुख की घोषणा कर दी गई है। अमेरिका ने इस पर जो मारे गए हैं नेता उनकी खबर का स्वागत किया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरीन जीन पियरे ने कहा इस पर ये। We are pleased to see the removal of ISIS's top leaders in such quick succession. The United States remains committed to countering the global threat from ISIS. Islamic State की टॉप लीडरशिप से एक के बाद एक नेता का जाना देखकर हमें खुशी हो रही है। अमेरिका इस्लामिक स्टेट के कारण दुनिया को हो रहे खतरे से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और इस मुद्दे पर दूसरे मुल्कों के साथ हाथ मिलाने के तैयार है। हम आतंकवाद विरोधी अभियान पर काम करना जारी रखेंगे और उन पर दबाव बनाए रखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ तक अबू अल हसन अल हाशमी अल कुरैशी की मौत की बात है, मैं पुष्टि कर सकती हूँ कि अमेरिकी अभियान का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अंजुम, अमेरिका ने कह दिया है कि उनका ये ऑपरेशन नहीं था, तो फिर मौत हुई कैसे? बिल्कुल, चरमपंथी नेताओं पर इस तरह के बयान आप जानती हैं अमेरिका की ओर से आते भी रहते हैं, और ये तो बहुत बड़ा एक बयान था जिसमें अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। जहाँ तक जानकारी है, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के अनुसार सारिका अबू अल हसन की मौत फ्री सीरियन आर्मी नाम के विद्रोही गुट के अभियान में हुई है। अखबार गार्डियन है, वो कहता है कि फ्री सीरियन आर्मी ने इस साल अक्टूबर में दक्षिणी सीरिया के दर्रा प्रांत में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अभियान छेड़ रखा था। अबू हसन अल हाशिमी अल कुरैशी IS का तीसरा मुखिया था। इस साल फरवरी में आतंकी संगठन के दूसरे मुखिया अबू इब्राहिम अल कुरैशी की मौत के बाद उसे इस आतंकी चरमपंथी संगठन का नया प्रमुख घोषित किया गया था, और 9 महीने में ये तीसरी बार है, 9 महीने में तीसरी बार नेता बदले गए हैं IS के। बिल्कुल, और माना जा रहा है कि क्या एक नेता की मौत इस समूह के लिए बड़ा झटका है, क्या वाकई बड़ा झटका है इस्लामिक स्टेट के लिए? माना तो यही जा रहा है, क्योंकि इससे पहले इसी साल फरवरी में अंजुम अमेरिकी कार्रवाई में इस्लामिक स्टेट के नेता अबू इब्राहिम अल हाशिमी अल कुरैशी की मौत हुई थी। वो दूसरे नेता थे, सीरिया के इदलिब प्रांत में घुसकर इसके लिए ऑपरेशन चलाया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद इसकी जानकारी दी थी, यानी तब अमेरिका ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। साल 2019 में अबू बकर अल बगदादी की मौत के बाद अल कुरैशी को इस्लामिक स्टेट का नेता बनाया गया था, और अमेरिका को उम्मीद थी कि अल कुरैशी की मौत के बाद इस्लामिक स्टेट का हौसला टूटेगा। हालांकि IS के मुखिया अबू बकर अल बगदादी की मौत के बाद भी कयास लगाए गए थे कि चरमपंथ कमजोर होगा और सीरिया जैसे जगहों के हालात में सुधार होगा, पर क्या वो वाकई कमजोर हुआ? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब पिछले काफ़ी सालों में अगर आप देखें सारिका, तो ISIS जो है पिछले काफ़ी सालों में काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। अमेरिकी नेतृत्व के में गठबंधन सेना ने इराक में इस्लामिक स्टेट के खात्मे का ऐलान 2017 में किया था। सीरिया में 2 साल बाद इसके खात्मे की घोषणा की गई, लेकिन हाल के महीनों में अगर आप देखेंगी तो आतंकवाद विरोधी, या जिसे हम चरमपंथ विरोधी कहते हैं, अधिकारियों ने ऐसी चिंता भी जताई है कि ये समूह इराक और सीरिया में फिर से लड़ाकों को संगठित कर रहा है। और अगर आप हालिया कोशिश देखें तो आपको वो अफगानिस्तान में दिखलाई पड़ती है। अफगानिस्तान में इसी की एक इकाई है, यूनिट है, जिसे ISK कहा जाता है। तो ISK का एक तरीके से अगर आप देखेंगी तो कल या परसों एक हमला हुआ, और तालिबान ने कहा कि ये हमला ISK की तरफ से किया गया। बिल्कुल, तालिबान अक्सर कहता रहा है जब से सत्ता संभाली है कि कई हमले जो दर्जनों हुए हैं वहाँ पर, उसमें ISK का हाथ है। कल जो धमाका हुआ था उसमें 17 लोगों की मौत हुई, जिसमें बहुत सारे बच्चे भी शामिल थे। दरअसल ये ISIS खोरसान अफगानिस्तान का ब्रांच है। सीरिया और इराक में जब इस्लामिक स्टेट की ताकत चरम पर थी, तब IS खोरसान अफगानिस्तान में स्थापित हुआ था। इसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों के जिहादी शामिल हैं, और तब आपको याद होगा अंजुम टारगेट पर होते थे अफगान सुरक्षा बल, नेता, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लोग, अल्पसंख्यक। और हालांकि पिछले सालों में ISIS कुछ कमजोर हुआ है। जी, तो ये सारी बात IS की जो खबर आई, उनके जो प्रमुख मारे गए हैं उनके बारे में, और नए प्रमुख की जो घोषणा की है उसके बारे में है। लेकिन सवाल वही है, और सबके जहन में सवाल वही है कि जब किसी इस तरह के चरमपंथ संगठन का मुखिया मारा जाता है तो क्या वो संगठन कमज़ोर होता है, जैसा कि हमने लादेन के मामले में देखा? क्या कई जानकार ये कहते हैं अंजुम कि जब यहाँ से कहीं किसी जगह से चरमपंथ कमजोर होता है तो उसके लड़ाके कहीं और जाकर किसी और संगठन में शामिल हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होगा। तो ये तो थी बात पूरी IS की, और अब बात कर लेते हैं खेल की।
तो खेलों की दुनिया से सारिका, फुटबॉल भी है, क्रिकेट भी है, पहले आप बताएं फीफा का तो फीवर है तो आप किस बारे में बात करना चाहेंगे? मैं फीफा से ही शुरुआत करता हूं। जानती हैं फीफा का मैच जो है सऊदी अरब और मैक्सिको के बीच में जो है आज हुआ और मैक्सिको ने 2-1 से वो मैच जीत लिया। इसी तरीके से अर्जेंटीना और पोलैंड के बीच में मैच हुआ, अर्जेंटीना 2-0 से वो मैच जीत गई। लेकिन कल जो है एक मैच हुआ बड़ा और बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जैसा कि इस फीफा में लगातार मिल रहा है। ट्यूनिशिया ने पिछले वर्ल्ड कप की चैंपियन फ्रांस को 1-0 से हरा दिया। फ्रांस ने पहले ही हालांकि फ्रांस जो है नॉकआउट में पहले पहुंच चुकी है, दोहा के एजुकेशन सिटी स्टेडियम में यह मैच हो रहा था और ट्यूनिशिया ने फ्रांस पर ज्यादातर समय तक दबदबा जो है बनाए रखा। लेकिन ट्यूनिशिया के कप्तान वहाबी खाजारी ने मैच के 58वें मिनट में गोल दागकर टीम को जीत दिला दी। और इसी के साथ एक खबर और, वो है पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट मैच। बिल्कुल, मैं यही पूछने वाली थी कि उस मैच का क्या हाल। चलते चलते बता दूं कि वो है तो टेस्ट मैच, लेकिन वो खेला जा रहा है एक तरीके से वनडे की तरह। 75 ओवर में पहले दिन 506 रन बनाए हैं, 506 रन पहले दिन, और ये बहुत बड़ा स्कोर होता है जिसमें 3 सेंचुरी लगी हों, क्रॉले की, डकेट की और पोप की, और सारी कम बॉल में। तो वो मैच बड़ा दिलचस्प है, उसके बारे में हम कल भी बात करेंगे क्योंकि कल उसका होगा दूसरा दिन। तो बीबीसी हिंदी के पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। स्टूडियो की जिम्मेदारी थी तिलकराज भाटिया के हाथ में। मुझे और सारिका सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।